हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी बच्चों आप सभी का हमारे चैनल में फिर से खैर मकदम है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से वेलकम है बच्चों हमेशा की तरह हम आपके लिए फिर एक बहुत ही इम्पॉटेंट और नया वीडियो आप सभी के लिए ले करके आए हैं ठीक है बच्चों क्योंकि ये वीडियो जो है आज आपका ये हर क्लास के लिए काफ़ी इम्पॉटेंट आपका ये वीडियो है ठीक है क्योंकि आपके हर क्लास से नाइन्थ से मैंने ये चीज़ देखा है कि आप लोगों को नाइन्थ से ले करके पूरे इंटर में और इंटर क्या फिर आगे आप जब बी करेंगे एम करेंगे आप कोई भी क्लास करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फ़ला शायर की आप हालात ज़िंदगी लिखें ठीक है हालात ज़िंदगी यानी कि आपको बायोग्राफी लिखना है तो ये क्वेश्चनस आप सभी को आता होगा लेकिन किस तरीके से हम इसे लिखें कि इसको लिख करके आपके बहुत अच्छे नंबर आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से आप बने रहिए जिस तरीके से आप देखते हैं वीडियो को बने रहिए और इस इस सारी वीडियो को आप अपने अमल में भी लाइए ठीक है बच्चों तो इसको अमल में भी लाइए और आप देखते जाइए किस तरीके से हम हालात जिंदगी आप सभी के लिए लिख कर लाए हैं और आप सभी हालात जिंदगी किस तरीके से लिखिए कि आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आए ओके तो चलिए शुरू करते हैं देखिए जैसे कि हमने शुरुआत में ही आपको एक दिन नया वीडियो बना करके आप सभी को दिया था कि वीडियो आपका था कि किस तरीके से उर्दू में अच्छे नंबर लाएँ तो वहाँ पे कुछ आपको कुछ टॉपिक कुछ मैटर मैंने वहाँ पे बताया था लेकिन ये जो मैटर है एक एक मैटर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप एक एक मैटर लिखें ओके तो ये जो आज आपका मैटर है यानी कि जो ये आपका टॉपिक है वो हालती ज़िंदगी है मीर त मीर की हलाती ज़िंदगी देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो इस तरीके से अगर किसी भी सवाल का वो पूछता है कि तो जिस भी क्वेश्चन नंबर पे होगा ओके तो मान लीजिए ये जव, सवाल नंबर आठ पे है ठीक है तो आप इसको इस तरीके से शुरू करेंगे कि जवाब नंबर आठ ना जवाब नंबर आठ फिर आप हेडिंग डालेंगे कि मीर तक मीर की हालात ज़िंदगी जिस तरीके से यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली हुई है ठीक है देखिए बच्चों पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और अगर आप इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं तो इससे पता है आपको लगेगा कि आपको आपके अंदर टैलेंट है आपके अंदर नॉलेज है इसीलिए अगर आपको इंग्लिश जितनी अच्छी आती है आप ब्रैकेट में करके उस इंग्लिश को ज़रूर डालिए इससे आप सभी का टैलेंट निखर करके आता है ठीक है तो इसीलिए देखिए मैंने भी लिख दिया है कि बायोग्राफी ऑफ़ मीर मिरतकी मीर ठीक है आप बिल्कुल पेपर में ऐसे लिखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है मीत की मीर की हालात ज़िंदगी फिर आप लिख सकते हैं बायोग्राफी ऑफ़ मृतकी मीर ठीक है तो सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था शुरुआत में ही बताया था कि आप इस तरीके से लेफ़्ट साइड और राइट साइड आप राइट साइड कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे और लेफ़्ट साइड आप कैसे लिख सकते हैं ना तो यहाँ पे आप पैदाइश लिखिए सत्रह सौ बाईस में तकरीबन है और वफात है अठारह सौ दस में इस तरीके से आप लिख सकते हैं ठीक है तो देखिए बच्चों हम जब किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो अगर शेर शेर करते हैं जैसे कि हमारा हमारा जो उर्दू होता है वो लैंग्वेज होता है यानी कि लिटरेचर होता है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है देखिए आपको यहाँ पे पहला ही शेर दिखाई दे रहा है पहला शेर आपका ये कह रहा है देखिए इनकी जो ठीक है तो जैसे इनकी जो तारीफ़ में हम कुछ लफ्ज़ की इस तरीके से शुरुआत करते हैं कि इनकी तारीफ़ में गालिब ने ख़ुद कहा है तो आप जब भी शुरुआत करें तो इन्हीं शेर के साथ आप शुरुआत करें इन्हीं शेरों के साथ आप इनकी शुरुआत करें कि इनकी जो तारीफ़ है वो ख़ुद गालिब ने भी मीर त मीर की तारीफ लिखा है और क्या लिखा है देखिए यही शेर है कि रेखता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब रेखता यानी वही जो आपकी उर्दू की जबान उर्दू का पुराना नाम क्या कहलाता था रेखता कहलाता था ओके तो उर्दू का जो पुराना नाम था रेख्ता कहलाता था तभी गालिब ने लिखा है कि गालिब ख़ुद को ही कह रहे हैं कह के कि गालिब रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब ए गालिब तुम रेख्ता के ही तुम ही सिर्फ उस्ताद नहीं हो कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था ठीक है इस तरीके से वो गालिब की गालिब जो है मरता की मीर की अज़मत के बारे में बताते हैं कि सिर्फ तुम ही नहीं हो उर्दू के उस्ताद बल्कि किसी ज़माने में कोई मीर भी उर्दू का उस्ताद हुआ करता था ठीक है इस तरीके से उन्होंने उन्होंने जो है गालिब ने भी मिर की अजमत का अतराफ़ किया यानी उनकी तारीफ बुलंद अल्फाज में करी है तो इस तरीके से जब भी आप हालात ज़िंदगी लिखें तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आप ज़रूर शुरुआत करें जैसे हमने आपको शायद मरशिया भी बीच में पढ़ाया था तो मरसिया कैसे क्या है है ना मरशिया की भी मैंने शेर की शुरुआत करी थी इसकी देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप इसको फॉलो करते हैं अमल में लाते हैं बच्चों तब ठीक है तो इस तरीके से आपका यहाँ पे शेयर शुरुआत हो गया फिर आप यहाँ पे देखिए लिख रहा है आपको ओके फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है आ, वैसे आप सभी दिख ही रहा होगा फिर भी हम जूम कर देते हैं देखिए मीर देखिए ये आपका मीर है यहाँ से शुरू है मीर का नाम ये कुछ नहीं है थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था ये कटा हुआ है मीर का नाम मोहम्मद तकी था मोहम्मद तकी था और तखलुस मीर था मीर तकी मीर सत्रह सौ बाईस यानी तेईस में भी कुछ लोग कहा जाता है यानी बाईस और तेईस के आसपास अकबराबाद यानी अकबराबाद ये जो आगरा का आगरा का जो पुराना नाम क्या था आगरा का पुराना नाम क्या था अकबर था ठीक है आगरा का पुराना नाम अकबर आबाद था अकबर आबाद में पैदा हुए थे उनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था जिन्हें लोग अली मुत्तकी कहकर पुकारते थे ठीक है ये इनके वालिद का नाम था मुत्तकी कहकर पुकारते थे और जिनका इंतकाल उस वक्त हुआ था जब मीर साहब सिर्फ ग्यारह साल के थे ओके okay, देखिए बहुत अच्छी से हमने शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको ले, ले करके आए हैं मीर के दो भाई थे एक हाफिज़ मोहम्मद हसन जो उनके सौतेले थे जो मीर से बड़े थे और दूसरे मोहम्मद रज़ी जो इनके सगे थे जो मीर से छोटे थे यानी इनके दो भाई थे ठीक है अब मीर के कारनामे यानी मीर ने क्या क्या लिखा है उनके कारनामे क्या हैं तो कम लफ्ज़ों में हम इस तरीके से बयां कर सकते हैं कि मीर के कुल सात दीवान हैं कितने दीवान हैं सात दीवान हैं मतलब दीवान वो होता है जो बहुत सारी इनकी कहानियों इनके अफसाने इनके इनका सब कुछ एक मजमू होता है एक जखीरा होता वो दीवान कहलाता है ठीक है दीवान है जिनमें से छः उर्दू में और एक फ़ारसी में ठीक है मुख्तर लफ्जों में अगर कहा जाए तो मीर के कुल सात दीवान हैं जिनमें से छह उर्दू में और एक फारसी में है ठीक है इस तरीके से आप बिल्कुल हेडिंग बनाइए और स्क्रीनशॉट शॉट लीजिए और बहुत अच्छे से इस बार पेपर में अगर इन की मीर आपका आता है तो जरूर आप लिखें ठीक क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है आगे देखते हैं हाँ देखिए हमने कम अल्फाज में ही आपको ज़्यादा बताने की कोशिश करी है फिर है मीर तकी मीर के अलकाब व खिताबात आप जानते हो कि मीर तकी मीर को बहुत सारे अलकाब व खिताबात मतलब जब कोई कोई दूस जिस चीज़ में जो फ़ेमस होता है जिस चीज़ में जो जिसकी एक क्वालिटी होती है मतलब कि अलग अलग तरीके का किसी इंसान में जब हुनर होता है या कोई कुछ ऐसा काम कर जाता है ऊंचे मकाम का, का काम कर जाता है तब उसको खिताबात से नवाजा जाता है जैसे आप जानते हो बॉस अवार्ड रहते जैसे हमारे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल इनको सर का खिताब दिया गया था है ना तो जो कोई जब बहुत यूनिक काम करता है उसके लिए जो सरकार उन्हें जो खिताबात देती वही खिताब कहलाता है तो इस तरीके से उसको हम सरमंस कहते हैं यहां पर देखिए आपका लिखा हुआ है कि अलकाब यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने लिखा अलकाब एंड सरमंस ऑफ मीर तकी मीर यानी अलकाब को उर्दू वो अलकाबी होता है मीर तकी मीर के अलकाब व खिताबात ठीक है अब देखिए उनको क्या कहते कहा गया है अब आप, आप देखते जाइए ये हेडिंग आपकी जरूर पड़ेगी ही, इंपॉर्टेंट हेडिंग है ओके आप देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है इसमें देखिए सबसे पहले तो इनको जो मेन कहा जाता है वो इनको कहा जाता है खुदाए सुखन अगर आपसे ये सवाल किया जाता है, जाता है कि खुदाए सुखन किसे कहा जाता है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि खुदाए सुखन जो है मीर त मीर को कहा जाता है और उन्होंने उनको क्यों कहा जाता है वो अभी हम बता रहे हैं आपको उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका हर एक शेर जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल दिल पर लगता है उनका शेर इसीलिए उन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है अब देखिए क्या किया और भी उन्हें कुछ कहा जाता है हम शुरू करते हैं कि हमारे उर्दू अदम में मीर तकी मीर को खुदा सुखन देखिए उनको खुदाए सुखन भी कहा जाता है यहाँ पे इनको ना ख़ुदा सुखन सुखन कहा जाता है और क्या है यहाँ पे सिरताज कहा जाता।, जाता है सिरताज शोराय उर्दू कहा जाता है देखिए बहुत सारे नाम हैं आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इनको शरताज शोराय उर्दू रेखता गोन हिंद का उस्ताद आजम शायरे बे दिमाग भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो शायर शेर था वो बिल्कुल मतलब कि उनका जो शेर था वो दिमाग को बिल्कुल मुताशिर कर देता था और कनूती शायर कहा जाता है अगर आपसे सवाल किया जाता है कि कनौती शायर किसे कहा जाता है फितना रोज़गार इतने सारे खिताबात इनको मिले इतने सारे खिताबात आप जानते हैं ना इतने सारे खिताबात तो आप बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में आप इसको ज़रूर लिखो बहुत मेन पॉइंट मैंने आपको बताया है ये सारे जो मैंने पॉइंट बताया है ये आपको जो मैंने यहाँ से यहाँ तक बताया बहुत मेन पॉइंट आप इसे बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिए और हाँ आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है जो मेरे बच्चे इंटर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं ऐसे क्वेश्चनस ही ऑब्जेक्टिव में बनते हैं अभी तो देखिए किसी का भी सबसे पहला क्वेश्चन बना दे कि मीत मी कहाँ पर पैदा हुए और सन में पैदा हुए तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव दो क्वेश्चन आपका बन गया उनके कुल कितने दीवाना भी पीछे मैंने बताया है ना तो और फिर यहाँ पे बन सकता है आपका उनके अलकाब उनके ख़िताब के खुदा शोखन किसे कहा जाता है ना खुदाए जो किसे कहा जाता है सिरताज शोरा यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया सिरताजय शोरा उर्दू आज़म रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आजम शायर बेदिमाग इनको इतना कुछ कहा जाता है टाइटल इतना कुछ इनको दिया गया है ओके okay. तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम क्या क्या है हम्म फिर आगे देखिए कुछ और बातें हैं कि मीर का जमाना शोर शोरशों का और फितना व फसाद का ज़माना था शोरिशों का और फितना शोरिशों है ये शोरिशों का और फितना फसाद का ज़माना था हर तरफ तंग दसे व मुश्किल व बर्दाश्त करने के बाद वो लखनऊ पहुँचे ये बात सच है कि मृतकी मेर, मेर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों को इन्होंने देखा बहुत सारी मुश्किल को उन्होंने देखा इसीलिए इनके शेर में हमेशा एक आपको आह मिलेगी एक दर्द मिलेगा आपको वहाँ उनकी शायरी की धूम मच गई फिर उसके बाद मुश्किल का सामना करते हुए ये कहां पहुंचे लखनऊ पहुंचे वहां उनकी शायरी की धूम मच गई नवाब अशेफुल्दौला ने उन्हें तीन सौ रुपए माहवार वजीफा मुकर कर दिया यानी नवाबौला उस वक्त जो नवाब थे वहां के उन्होंने तीन सौ रुपये माहवार वजीफे पर इनको रख दिया मतलब मंथली तीन सौ रुपये इनको मिलने लगा और मीर आराम से जिंदगी बसर करने लगे लेकिन तंद मजाजी की वजह से किसी बात से नाराज होकर दरबार से अलग हो गए मतलब होता नहीं किसी किसी को बातें बहुत लगती है तो वहाँ उसको बर्दाश्त नहीं होती है तो वो छोड़ देता है तो वही बातें थी मीर के अंदर भी मीर को बातें वहाँ की बहुत बुरी लगी और वो वहाँ से नाराज़ होकर दरबार से अलग हो गए मीर की ज़िंदगी के बारे में मालूम एक मिनट मालूमात का अहम जरिया उनकी उम्री देखिए मीर की अगर ज़िंदगी के बारे में हमें और जानकारी लेना है तो एक उनकी किताब है जानते हैं उनकी किताब का नाम क्या है उम्री ज़िक्र मीर अगर आपसे पूछा जाता है ज़िक्र मीर में इन्होंने खुद लिखा है इसलिए इनकी ये ख़ुद नविशत किताब है मीर तकी मीर की ठीक है इन्होंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में उसमें लिखा हुआ है जो उनके देखिए यहाँ पे दिया हुआ जो उनके बचपन से लखनऊ उनके क्याम के आगाज़ की मुद्दत से पर मुहित है मुद्दत पर मुहित है मीर ने अपनी ज़िंदगी के चंद चंदम यानी जब लास्ट में वो आते हैं कहाँ आते हैं मुग़ल बादशाह यानी वही अकबर बादशाह वाला दरबार मुग़ल दिल्ली में सर्फ के उस वक्त तो वो पुरानी दिल्ली में जिस जगह रहते थे उस को कोचय चिलम कहा जाता था यानी जिस जगह वो दिल्ली में रहते थे उसे कोचे उसे कोचय चिलम कहा जाता था ठीक है अब ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया और अब देखिए क्या शुरू होता है अब देखिए तशानीफ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रचनाएँ है ना देखते हैं क्या क्या रचनाएँ हैं <coughs> देखिए मीर तकी मीर की रच मीर तकी मीर की तशानीफ यानी इनकी है सबसे पहले देखिए इनकी देखिए कुछ हमने हेडिंग इसलिए बनाया क्योंकि प्यारे बच्चों हेडिंग पे आपको बहुत नंबर मिलते हैं आप भी ऐसी हेडिंग बना करके ज़रूर लिखिए निकातु शोरा ज़िक्र मीर फैज़ मीर ठीक है ये उनकी तशानीफ है तसनफ़ यानी की रचनाएं तो निकात शोरा देखिए बिल्कुल एक पॉइंट में आपको लिखना है कि सत्रह सौ इक्यावन ईस्वी में यह फारसी ज़बान में उर्दू शायरी का पहला तजकर है फिर ये सत्रह सौ बाईस में मीर की खुद नविशत यानी हमने पहले बताया खुद नवशत का मतलब होता है इनकी खुद की लिखी हुई सवानी उम्री यानी इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को इस किताब में लिखा है ठीक है फिर फैज़ मीर फिर यह क्या है रिसाला सूफियाना निकात व हकायात इस किताब में इसका बयान किया गया है ठीक है तो ये इनकी बहुत सारी मशहूर किताबें हैं तशनीफ है अब देखिए आप इसको ज़रूर हेडिंग से याद करिए और लिखिए देखिए फिर नंबर कैसे आते हैं आपके बहुत अच्छे इन नंबर आएंगे अब आगे देखिए मीर तकी मीर की शायरी इनकी बहुत वैसे तो बहुत सारी शायरी आप में गज़लें भी बहुत सी हैं लेकिन कुछ ऐसी गज़लें हैं जो आपको पढ़ के अच्छा लगेगा जैसे उनकी ये गज़ल बहुत फेमस है आपको पेपर में भी मिलेगा आपको जब तशबीही वाला मिलता है तो उनकी ये गज़ल की मिसाल हमेशा दी जाती है नाजुक की उनके लब की मीर की शायरी आप बिल्कुल ऐसे हेडिंग बनाइए कि मीर की शायरी क्या है नाजुकी उनके लब की क्या कही है पंखुड़ी गुलाब से है ये शेर उनके बहुत इम्पॉर्टेंट है अब आगे आते हैं लास्ट में उनका एक और इम्पॉर्टेंट शेर है ताब किसको जो हाल मीर सुने हाल ही कुछ और मजलिस का है। ये भी इम्पॉर्टेंट है और एक चीज़ और बच्चों ये देखिए मीर की जब आप बिल्कुल समझ लीजिए ख़त्म कर रहे हो तो वहाँ पे आप ये शेर डाल करके इस बिल्कुल ख़त्म करिए और इस तरीके से जैसे मैंने ब्लैक पेन से लिखा है ब्लैक स्केच से लिखा आप वैसे भी ब्लैक स्केच से ज़रूर शुरू करें ठीक है ज़रूर आप ब्लैक स्केच का कर यूज़ करें मीर मीर की अज़मत का एतराफ़ ख़ुद गालिब ने भी किया है क्या गालिब ने किया ये बहुत अच्छा शेर गालिब का मीर के शेर का अहवा कहूँ क्या गालिब गालिब कहते हैं मीर के बारे में कि मीर के शेर का अहवाल कहूँ क्या गालिब जिसका दीवान है कम अज़ गुलशन कश्मीर है यहाँ पे कहते हैं कि गालिब की मैं मीर के शेर के के बारे में मैं क्या बताऊँ उसका एक एक दीवान ऐसा है जैसे कश्मीर की वादियाँ यानी कश्मीर का जैसे गुलशन होता है उसमें रंग बिरंगे तरह तरह के फूल होते हैं तरह तरह के फल होते हैं खूबसूरत वादियाँ होती सब कुछ उसमें तरह तरह के होते हैं उसी तरीके से मीर तक मीर का का पूरा दीवान है जिसकी मैं जो मिसाल नहीं दे सकता ठीक है बच्चों तो इस तरीके से है आपका इसे मीर की अज़मत का एतराफ़ ख़ुद गालिब ने भी किया आप सब इस्क्रीन शॉट हम आपको एक बार दे रहे हैं आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप ज़रूर स्क्रीन शॉट ले करके आप ज़रूर देखें सबसे पहले आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ से शुरू करना है आपको यहीं से शुरू करना है जैसे अभी हमने आपको बताया आप सबसे पहले इसका स्क्रीन इस शॉट ले ले लीजिए ठीक है अब दूसरा बेस आपका ये है आप इसका भी ले लीजिए जूम कर देते हैं ताकि आपको बहुत आसानी हो लेने में जी आप इसका भी ये लास्ट का है लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट आप इसका भी ले लीजिए अब देखिए ये बिल ये पेज बिल्कुल लास्ट का आप अख्ताम में इसे लिख सकते हैं ये भी आप ले लीजिए ओके प्यारे बच्चों तो इस तरीके से आप हालात ज़िंदगी लिखिए कम लिखिए मुख्तर लिखिए आप लेकिन आप इस तरीके से लफ्जों को लिखिए अच्छे ढंग से लिखिए ताकि एक बार ही जब आपकी कॉपी आपके एग्जामिनर के पास जाए या आपके क्लास टीचर के पास जाए या आपके सब्जेक्ट टीचर के पास जाए तो एक ही बार में ही आपकी कॉपी जो है कहते नहीं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ ए लास्ट इम्प्रेसन तो आपकी कॉपी जब भी सामने जाए तो देख कर के सामने वाला खुश हो जाए और ऑटोमेटिक आपको नंबर देते हुए चला जाए ओके okay, प्यारे बच्चों तो इस तरीके से आपको मैंने आज आपकी हालत ज़िंदगी बताई कि इस तरीके से आप लिखेंगे बिर तक मिन की हालत ज़िंदगी और भी हम आपको बताएंगे लेकिन सारा लिखने का तरीका सब कुछ ऐसे ही होगा आपको जो मैंने अभी बताया शॉर्ट में लिखिए लेकिन हम बार बार करें शॉर्ट में लिखिए लेकिन बहुत बेहतर लिखिए कुछ अलग लिखिए अच्छा नंबर पाने के लिए ओके प्यारे बच्चों तो इस तरीके से आप हरती ज़िंदगी अगर नाइन्थ में है आपके सिलेबस में तो नाइन्थ में टेंथ में है टेंथ के बच्चों के लिए तो टेंथ वाले लिखें ग्यारह के लिए बारह के लिए हर क्लास के लिए ही इम्पॉटेंट है हर क्लास के बच्चे इसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं ओके okay, प्यारे बच्चों तो आप सभी का फिर से मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ आप सभी इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब खुद करिए और और भी सारे बच्चों से कहिए कि कि सब्सक्राइब करें इस तरीके से वो हर एक बच्चे तक जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हर एक बच्चे तक ये वीडियो जाएगी जहाँ पर उर्दू के हमारे टीचर नहीं हैं ताकि उससे हमारे सारे उर्दू के बच्चों को फ़ायदा मिल सके और आप सभी के नंबर बहुत अच्छे आए यही उम्मीद पे हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं इस तरीके से प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़िए बहुत मेहनत करिए हम हमेशा से आपको यही बात कहते हैं और अपना ख्याल रखिए तब तक के लिए हम इन फिर मिलते हैं आपसे कंटिन्यूटी मेरी बनी रहेगी जैसे वक्त मिलता है वैसे वैसे आप सभी बिल्कुल परेशान ना होइए कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ है वो क्वेश्चन जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा हम आपको ज़रूर कराएँगे तब तक के लिए आप खूब मेहनत से तैयारी करते रहें और इस बार आप बहुत अच्छे हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर लाएँ ओके okay, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़ टेक केयर